दोस्तों आपने पिछले वीडियो में काफी सारी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री देखी होगी, पर आपको क्या लगा ये टेस्टी सफर यही खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही और फूड प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो आपके होश उड़ाने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपके लिए एक सरप्राइज है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर एक पर है कैंडी बार। दोस्तों आपने फाइव स्टार जैसी चॉकलेट बार की एड्स को एक बार जरूर देखा होगा या उसे खाया भी होगा, पर शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि आखिर उसे कैसे बनाया जाता है। यह बनाने के लिए वो शुगर, कॉटन सिरप, कोकोनट ऑयल और मोलेसिस का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो इन सारी सामग्री को एक साथ मिक्स करके 8 मिनट के लिए गर्म करते हैं। बाद में उसे बड़े स्टेनलेस स्टील के पतीले में डाला जाता है और जो पिछले बार बनाने टाइम बची हुई कैंडी थी उसे भी नए सिरप में मिक्स कर दिया जाता है। बाद में इस मिश्रण को एक बड़े स्टील प्लेटफॉर्म पर डाल के एक दूसरे में अच्छे से मिक्स किया जाता है। बाद में उसे स्ट्रेचर में डाला जाता है जो उस कैंडी को 5 मिनट तक स्ट्रेच करता है। बाद में गरम पीनट बटर को इस कैंडी के लेयर पर सही मात्रा में डाला जाता है। बाद में इस बड़े लेयर को गोल आकार दिया जाता है जो आगे जाके चॉकलेट बार के साइज जितना बन जाता है। बाद में दूसरी मशीन हर 5 इंच के अंतर पर एक मार्क लगाती है और उन्हें काट देती है। बाद में इन बार्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से हॉट चॉकलेट के नीचे से ले जाया जाता है। बाद में पैक करने वाली मशीन इन्हें एक एक करके प्लास्टिक के पेपर्स में पैक करके सील कर देती है। बाद में 24 के पैक में इन्हें एक बक्से में डाल के बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर दो पर है हॉट डॉग। दोस्तों इस चीज से बनाए गए खाने के प्रोडक्ट्स अमेरिका में काफी फेमस है। सबसे पहले तो मांस को एक ग्राइंडर में डाला जाता है जो उसे एक सांचे से बाहर पुश करता है। बाद में इसमें नमक, ग्राउंडनट और आटे जैसी चीजें मिलाई जाती है। बाद में इसमें पानी मिलाया जाता है ताकि वो कड़क ना हो। थोड़े समय बाद उसमें कॉर्न सिरप भी मिलाया जाता है। बाद में इसमें फिर से और पानी मिलाया जाता है ताकि ये एक डाइल्यूट पेस्ट में तब्दील हो जाए। बाद में इसे एक मशीन से गुजारा जाता है जो उस पेस्ट को प्लास्टिक के थैलियों में पैक करके और उन्हें हर 5 इंच पर मोड़ के भेजता है। यह प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि यह मशीन सिर्फ 1 मिनट में ही हजारों हॉट डॉग्स बना सकता है। बाद में इन बड़ी बड़ी चेन्स को दूसरे मशीन में डाला जाता है। बाद में इन्हें गर्म पानी से धोया जाता है और ओवन में पकाया जाता है, जिसके बाद उन पर के प्लास्टिक कवर को निकाला जाता है और उन्हें पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अगले नंबर पर है मिंट की गोलियां। दोस्तों ये वही गोलियां है जिन्हें मुंह में डालने के बाद पूरा मुंह किसी फ्रिज की तरह ठंडा हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। नींबू वाले फ्लेवर को लाने के लिए वो मैग्नीशियम स्टीरॉइड, शुगर फ्री स्वीटनर और लाइम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इन सारी सामग्रियों को एक बड़े से मिक्सर में डाल दिया जाता है। जो हरी चीज आप इसमें देख रहे हैं वो कोला और लाइम का मिश्रण है। बाद में इसकी लीड पैक करके उसे 45 मिनट तक घुमाया जाता है। बाद में इसमें कलर मिलाया जाता है। ये सारे कलर्स एडिबल होते हैं, यानी कि आप इन्हें खा सकते हैं, जिसके बाद इसे नीचे लगे हुए नोजल से बाहर निकाला जाता है। जब एक बार कंटेनर फुल हो जाए तब उसे एक दूसरे मशीन में डाला जाता है। सबसे पहले तो यह मशीन किसी भी बड़े हिस्से को बाजू में निकालती है। बाद में बची हुई पाउडर प्रेसिंग मशीन में चली जाती है। यह वही मशीन है जिसे दवाई के पिल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोसेस काफी फास्ट होती है। ये 1 मिनट में 18,000 गोलियां बना सकती है। जब हम इसे स्लो करके देखें तो हम देख सकते हैं कि होल में बसी पाउडर को ऊपर लगे हैंडल पैक कर देते हैं, जिसे कंप्रेशन कहा जाता है, जिसके बाद उसे दूसरे सिलेंडर में डाला जाता है जहां पर एक्सिस पाउडर को बाजू में निकाल दिया जाता है। बाद में इन गोलियों को पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पे हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाए और 2 करोड़ रुपए तक प्राइज जीतिए।
हेलो के नए होली कैश धमाके के साथ। हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो हेलो ऐप और इस कॉन्टेस्ट के मैक्सिमम बेनिफिट लो 3 से 9 मार्च के बीच। अगले नंबर पर है पोटैटो चिप्स। रुकिए दोस्तों, ये कोई आम पोटैटो चिप्स नहीं है, क्योंकि आपने कभी सोचा है कि इन कंपनियों द्वारा बनाए गए पोटैटो चिप्स इतने सही और एक ही आकार में कैसे होते हैं? चलिए आज हम इनका पर्दाफाश कर ही डालते हैं। दरअसल ये पूरे आलूओं का इस्तेमाल न करके पोटैटो स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। ये पोटैटो स्टार्च असल में आलूओं को उबाल कर और उसे पीस कर सुखाया जाता है। इस परफेक्ट चिप को बनाने के लिए वो इस स्टार्च में पानी मिलाते हैं, इसके बाद इसे फिर कन्वेयर बेल्ट से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है। बाद में 4 टन जितने ताकत से इस मिश्रण को एक शीट में तब्दील किया जाता है। बाद में एक रोलर पर लगे कटर इस शीट को चिप्स के साइज में कट करते हैं। बाद में दूसरे हैंडल शीट के बचे हुए हिस्से को बाजू में निकालता है। यहाँ पर निकला हुआ हिस्सा फिर से शीट बनाने के लिए वापिस चला जाता है और कटे हुए चिप्स को फ्रायर में से गुजारा जाता है। फ्रायर में डालने से पहले चिप्स को एक कॉनकेव शेप वाले स्टील सांचे में डाला जाता है, जो उसे इतना अच्छा आकार देता है। इसी वजह से ये चिप इतने सही और एक ही आकार के दिखते हैं। बाद में इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। बाद में इन पर नमक या दूसरे मसाले छिड़के जाते हैं, जिसके बाद मशीन खुद ही इन्हें सही हिस्सों में बांट कर पैक कर देता है। नंबर 5 पर है स्प्रिंकलर। दोस्तों आपने इन्हें तो जरूर ही खाया होगा, कभी इन्हें आइसक्रीम पर डाला जाता है तो कभी हम इन्हें सॉफ्ट के तौर पर भी खाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आखिर ये छोटे टेस्टी चीजें बनाई कैसी जाती है? इन्हें बनाने के लिए कई सारे फूड पाउडर और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो पानी में फूड पाउडर को मिलाकर उबाला जाता है। जब सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए, तब उसमें पीसी हुई चीनी मिलाई जाती है, जिसके बाद उसमें लिक्विड फूड कलर मिलाया जाता है। इन्हीं फूड कलर्स की वजह से स्प्रिंकलर को इतना भिन्न कलर शेड मिलता है। जिसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए इसमें पानी मिलाया जाता है, जिसके बाद ये आटे जैसे रूप ले लेता है। अब इसे दूसरे मशीन में डाला जाता है, जो उसे एक्सट्रूडर के पास ले जाता है। यह मशीन इस आटे को काफी छोटे छोटे होल से आगे ढकेलती है, जिससे यह पतले पतले धागे जैसे रूप ले लेता है और इसी कन्वेयर बेल्ट से गुजरते वक्त इसे सुखाया भी जाता है। जिसके बाद इसे सीमेंट मिक्सर जैसे मशीन में डाला जाता है, जो इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। अब इन्हें शेकर टेबल में डाला जाता है, जो सिर्फ सही आकार के स्प्रिंकलर को ही आगे भेजता है। बाद में जब ऐसे ही सभी रंग के स्प्रिंकलर बनाए जाते हैं, तब उन्हें इसी मशीन में मिक्स किया जाता है। बाद में इन्हें पैक करके दुकानों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आखिरी नंबर पर है केले और चॉकलेट के बिस्किट। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में पानी, तेल, शक्कर और केले को पीसा हुआ मिश्रण डाला जाता है। बाद में जब तक ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं होते, तब तक इन्हें घुमाया जाता है। जिसके बाद इसमें गेहूं का आटा और बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। इसके बाद आखिर में इनमें अंडे और चॉकलेट चिप्स को डाला जाता है। इसके बाद अच्छे से मिक्स हुए मिश्रण को एक नोजल से बाहर लगे हुए ट्रे में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन्हें सांचे में भर दिया जाता है। अब ये पैन मल्टीलेवल ओवन में एंटर करता है, जिसके बाद वो 13 अलग अलग टेम्परेचर में पकाया जाता है। कुल 27 मिनट के बाद ये अच्छे से पक जाते हैं। अब इन्हें ठंडा किया जाता है, जिसके बाद दूसरे हैंडल न्यूक्लियर रॉड के जरिए इन कप्स को उठाते हैं और कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं, जो बाद में उन्हें पैकिंग करने के लिए आगे भेज देता है। दोस्तों जो लोग वीडियो के अंत में आ ही गए हैं, तो चलिए आपको सरप्राइज बता ही देते हैं। इस वीडियो के बाद से हम हर एक वीडियो में किसी एक लकी विनर को शाउट आउट देंगे। तो जो लोग इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं, वो अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।